नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार भारत उदय समाचार के विशेष रिपोर्ट। दरभंगा जिला के चुनाव की बात करें तो लगातार गांव-गांव फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। दरभंगा के SSP बाबूराम के निर्देश पर सभी थाना अपने अंतर्गत अपने जो एरिया है उनका, वहां पर फ्लैग मार्च या पैदल मार्च हो या मोटरसाइकिल पर हो, वो निकाल रहे हैं। अब हम आपको बता दें दरभंगा के गली मोहल्लों के सड़कों पर से गुजरी है ये फ्लैग मार्च। इस फ्लैग मार्च में भारी संख्या में पुलिस सुरक्षा बलों के जवान शामिल थे। चुनाव के दरमियान कोई भी व्यक्ति गड़बड़ी फैलाने का कोशिश करेगा तो ऐसे व्यक्ति के साथ सख्ती से पेश आया जाएगा या तथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस फ्लैग मार्च निकालने का मुख्य उद्देश्य, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव हेतु दरभंगा जिला में चुनाव कार्य की शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर यह फ्लैग मार्च निकाला गया है। विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया और इसमें SSP बाबूराम ने क्या कहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। लगातार भारत समाचार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है, या फ्लैग मार्च की बात करें या शांति चुनाव प्रचार की बात करें या फिर सभी जगहों से कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। देखिए पूरा कवरेज। विशेषकर जो हमारे क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं और जो हमारे वल्नरेबल टोला हैं जहां चिन्हित किया गया है, उन सभी में विशेष फोकस करते हुए फ्लैग मार्च कराया गया है। और जो शराब माफिया की चिन्हित गतिविधि के केंद्र पहले से रहे हैं ऐसी जगहों पे छापामारी विशेष रूप से कराई गई है। Thank you.